सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और जनमानस से अवैध तरीके से कब्जा ना करने की अपील भी की जा रही है। वहीं सरकारी संपत्ति पर अगर कोई कब्जा करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं मुरादाबाद के दिल्ली रोड गागर नदी की जमीन पर कुछ एक्सपोर्ट फर्म स्वामियों द्वारा किए गए कब्जे की शिकायत को लेकर तहसील प्रशासन द्वारा गागर नदी का भ्रमण किया गया और नाव झोंक करने के बाद एनजीटी की टीम को अवगत कराया गया। आपको बताते चलें, गागर नदी की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा एनजीटी को साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे और कहा गया था कि गागर नदी की जमीन पर निर्यातक फर्म द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन के दिशा निर्देशन में जांच टीम गठित की गई है और जांच टीम द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों से मिले उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी द्वारा उक्त मामले को हर एंगल से देखा जा रहा है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जांच टीम के साथ मौजूद रहे हल्का लेखपाल से जब इस बाबत बात की गई तो लेखपाल द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण एनजीटी की को रिपोर्ट जानी है कि नदी किनारे किस किसने अतिक्रमण कर रखा है, इसके संबंध में हम लोग जाँच करने गए। क्या पाया गया अभी तक? अभी तक तो जांच रिपोर्ट बना ली है, अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है, अभी तक ऐसा कोई ज्यादा बता सकते हैं।